जय जोहार साथियों, जय आदिवासी। आज मेरा फेसबुक लाइव आने का एक कारण है कि हमारे बीजेपी के अजेजा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है कलसिंह भावर जी, पहले तो मैं उनको इस पद पे काबिज होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको इस पद पर आपकी पार्टी ने आपको दायित्व सौंपा, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका कलसिंह भावर जी का, जो कि पेटलावस थानला से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, उनका मैंने झाबुआ लाइव उनका इंटरव्यू सुना, उनकी जो बातें उन्होंने कुछ बातें बोली है, उन बातों पर मैंने गौर किया और उन्होंने जो शब्द बोले समाज के लिए, एक बात तो उन्होंने बोली है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कलसिंह भावर जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आप पुलिस की जॉब छोड़ के आए हैं, आप एजुकेटेड हो, 10वीं तक पढ़े हो, पता नहीं जो भी पढ़े हो। दूसरा, आपने जीवन में संघर्ष किया है, आपने जीवन में संघर्ष किया है, आपकी फीस के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आपके भाई ने आपकी भाभी के जेवर गिरव रखे, 500 रुपये लेके आए, आपने ट्रेन में पानी बेचा, दातून बेचा, आपके संघर्ष को मैं सल्यूट करता हूँ, यह आदिवासी समाज का युवा सल्यूट करता है कि आप जिस समाज में पैदा हुए हो उस समाज में रहकर आपने संघर्ष किया, आपको मैं सल्यूट करता हूँ। आपने इतना संघर्ष किया, आप विधायक बने 2 बार धांधला के, समाज के लिए गौरव का विषय है। लेकिन आपका इंटरव्यू मैंने पूरा देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है। आपने एक चीज़ ये भी बोला कि आदिवासी समाज राम से पहले आया है, ये आपकी बात बोल रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं बोलूँगा। आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है, मैंने गौर किया। आपने जयस जैसे संगठन को विधर्मी बोला। माननीय कलसिंह भावर जी, जयस आदिवासी संस्कृति, आदिवासी महापुरुषों का विचार लेकर समाज का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, झाबुआ में आदिवासी एकता महासम्मेलन हो रहा था, आप उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उस कार्यक्रम को लेके अनेकों समस्याओं को सामना आयोजन समिति को करना पड़ा, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरा, आप जिस समाज की ओर से आप अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, आपने कितने महायोद्धाओं की जयंतियां मनाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने कितने कार्यक्रम किए, आप ये पार्टियों की जो भाषा बोल रहे हो, संघ की जो भाषा बोल रहे हो, हम इस बात का खंडन करते हैं। आप आदिवासी समाज से हो, हमें गर्व का विषय हो, हमारे लिए गर्व का विषय है, हम आप पर गर्व करते हैं। आप 2 बार से विधायक रहे हो और आप जिस पद पे काबिज हुए हो इसका भी हमको बहुत गर्व है। लेकिन आपने अभी तक समाज उत्थान के लिए कितना काम किया, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कितना काम किया? आप पलायन को लेके बात कर रहे थे कि फलानी पार्टी के समय इतने गए, इसके समय इतने गए। आज भी झाबुआ जिले से हमारे आदिवासी अनेक जिलों से आज भी हमारी महिलाएं पलायन कर रही है, और अभी आपकी ही पार्टी है, आप जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हो उसी वही पार्टी है।
लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लाइव डिबेट फेस टू फेस आइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं इस समाज का बेटा हूं। आप पढ़े लिखे लड़कों को भी पागल समझ रहे हो? हम पढ़े लिखे लड़के, जो हमारे जितने भी भाई युवा साथी पढ़े लिखे, वो पागल नहीं है, वो तर्क वितर्क समझता है। आपने उनको भी पागल बताया है। कल सीएम भावर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, झाबुआ जिले में हम लोग तो काम कर रहे हैं, कई ईसाई बने आदिवासियों को हमने सबक सिखाया है। आदिवासी न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न अन्य जाति का है। आदिवासियों का रीति रिवाज संस्कृति अलग है, और किसी भी धर्म की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। फिर भी हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, झाबुआ जिले में आपका गृह जिला, अनेक लोग आदिवासी ईसाई बन गए, आपने क्या किया? हमने तो किया, हमारे पास प्रमाण है। कहीं जो आदिवासी ईसाई बने थे, जो ईसाई मिशनरी का जो काम कर रहे हैं, उनको हमने चैलेंज किया, उनको टोका, हमारे जो लोग बह गए थे उनको हमने रोका, आपने क्या किया? आप विधायक रहे, आदिवासी समाज उत्थान के लिए आपने क्या किया, आप हम आपसे जानना चाहते हैं। जो समाज के लिए लड़के काम करते हैं, समाज के जो दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं, आपकी जानकारी के मैं कहना चाहता हूं कि आपके झाबुआ जिला का जिला प्रशासन आदिवासी समाज का कार्यक्रम नहीं होने देना चाह रहा था, लेकिन हमारे समाज के युवा साथी वहां पर डंके की चोट उतरे थे और जिला प्रशासन को चैलेंज किया था, अनुमति मिली, पोस्टर लगाना पड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे समाज के सम्मानीय जनप्रतिनिधि हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप एक पार्टी के लिए आप समाज को गाली दे रहे हो? आप आदिवासी समाज के, अरे हमारे समाज का युवा बहक गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको सुधारना। आप कब बैठे थे हमारे साथ? कल सिंह भावर जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों के साथ, जेएस के साथियों के साथ आपने कब संवाद किया था? आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है हमारे साथ बैठने की, इसलिए आप सोशल मीडिया में पत्रकारों के साथ बैठ के आप किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। अरे हमारे पास हजारों प्रमाण हैं कि हमने हमारे समाज के लिए क्या योगदान दिया, हमारे समाज के साथ हम कब खड़ा हो पाए, ये हमारे पास हजारों प्रमाण हैं। लेकिन आप चैनल तय कर लेना, आप हमको बुला लेना, हम जवाब देने के लिए आएंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, लेकिन मेरे समाज के आप हो, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, मेरे पिता समान मानता हूँ, लेकिन आप जिस दिन बुलाओगे, मैं लाइव डिबेट चैनल आप डिसाइड करना, चैनल आप डिसाइड करना, मैं उसका जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। आपने जिस प्रकार से आरोप लगाए, समाज का युवा किन किन परिस्थितियों में समाज का काम करता है आपको नहीं पता है? आपने समाज के लिए कितना योगदान दिया मैं जानना चाहता हूँ, आपने समाज को कितना सहयोग दिया मैं जानना चाहता हूँ। आप जो कुछ भी बोल रहे हो सरासर गलत बोल रहे हो, आप आदिवासी समाज के युवाओं को गलत साबित करने के लिए आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हो भाई साहब, रणवीर सिंह जी, बिशन सिंह जी जमरा फेसबुक पे भाषण देकर कोई महान काम नहीं कर रहे हो भाई साहब, जमीनी स्तर पर जाकर धर्मांतरण को रोका जाए। रणवीर बिशन सिंह जमरा जी, आप जहाँ से भी हो, आपकी बात का मैं
समर्थन करता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ कि हमने, आप कहाँ से हो मुझे नहीं जानकारी, आप क्या काम करते हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हो मैं फेसबुक पे भाषण नहीं देता हूँ, आप मेरे से परिचित होंगे या नहीं होंगे मैं अपना गुणगान भी नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ समाज की बात होती है, जहाँ हमको रहना चाहिए हम रहते हैं। आप जो बोल रहे हो धर्मांतर को रोका जाए, हमने रोकने का प्रयास किया और कर रहे हैं, डंके की छोट कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। हम लोग झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, जहाँ जहाँ भी हमको जो काम करना चाहिए हम डंके की चोट कर रहे हैं। हम हमारे आदिवासी समाज के जो लोग अन्य धर्मों का जो अनुसरण कर रहे हैं, अन्य धर्मों में जा रहे हैं, उनका हम खंडन करते हैं। और हमने सबसे पहले मांग की है कि जो आदिवासी समाज का व्यक्ति आदिवासी समाज छोड़कर अन्य धर्मों में जाता है, उसका सबसे पहले आदिवासी होने का जो संवैधानिक अधिकार मिलता है उसको सबसे पहले खत्म किया जाए। ये सबसे पहले हमने मांग की है, डंके की चोट। मैं कल सिंह भाभर जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है, जिन लोगों ने, जो आदिवासी लोग हैं जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया, उनका आदिवासी होने का प्रमाण आप खत्म करवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं डंके की चोट आपके साथ खड़ा हूँ, जो भी लोग हैं, लेकिन आप समाज के लड़कों को शिक्षा न देते हुए चैनल के सामने आदिवासी वेशभूषा पहन के जो बोल रहे हो, आप भी हमारे समाज के आदिवासी समाज के हो, विधायक रहे, बड़ा गर्व का विषय है, लेकिन आप जिस प्रकार से हमारे समाज के नए युवाओं पे जो आरोप लगा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। हमारे समाज के युवा अगर बहक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो माननीय पूर्व विधायक जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपका भी एक दायित्व है कि हमारे समाज के युवा अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप जिस प्रकार से बोल रहे हो, जिस प्रकार से आप बोल रहे हो वो उचित नहीं है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप पूरी जानकारी निकालिए, ये समाज के युवा साथी है। माननीय कल सिंह भाभर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा आप पर भी जिस दिन अत्याचार अन्याय होगा ना, सबसे पहले हम आपके लिए खड़े रहेंगे। हम उस समय ये नहीं देखेंगे कि कल सिंह भाभर जी ने हमारे लिए क्या बोला, हम ये नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कल सिंह भाभर जी हमारे आदिवासी समाज का खून है। कल सिंह भाभर साहब हमारे आदिवासी समाज का खून है, आपके साथ भी जब अन्याय होगा या किसी भी प्रकार की कुछ चीज़ें होगी, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संजय मुनिया जी, भाई तूने क्या कर लिया? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो समाज का बेटा हूँ, जितना मेरे से बन सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं उखाड़ लिया, है ना। तो आपने जो बोला है भाई तूने क्या कर लिया, मैंने शायद कुछ नहीं किया, मेरे से जितना बनता है मैं करता हूँ। मोहन धारवे जी, आप जाना चाहे उनके खिलाफ क्यों जाते हो, अपने आदिवासी लोग विधानसभा संसद में अपनी समझ। मोहन धारवे जी, आपने अच्छा प्रश्न किया, हम किसी का टांग नहीं खींचते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के जो बेरोजगार युवा समाज के लिए जो काम करते हैं उनके खिलाफ जो जाते हैं, हमारी मजबूरी हो जाती है बोलने के लिए। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत
लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमने किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार से युवाओं के लिए हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के युवा है, जो समाज की फिक्र करते हैं, उन लोगों ने काम किया है तो दुख होता है। भावर साहब ने जिस प्रकार से बोला है मुझे अच्छा नहीं लगा है, और मोहन धारवे जी ने पूछा है तो मैंने वो बहुत सारे, और किसी ने पूछा है तो मैंने समाज के लिए कहीं बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार दिया, लेकिन जहाँ पर भी जैसी भी आवश्यकता होती है मेरे से, मैं आदिवासी समाज का बेटा हूँ, मेरे से जो सहयोग बनता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैंने ये उखाड़ दिया वो उखाड़ दिया मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और न कभी बोलूँगा, लेकिन जहाँ हमको समय मिलता है हम जाने की कोशिश करते हैं, पहुँच जाते हैं, अपने समाज के साथ खड़े होते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। तो हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं उखाड़ दिया, कोई बहुत बड़ी वो तीर नहीं चला दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज भावर साहब ने जिस प्रकार से बोले, और मेरा एक ये प्रश्न है कल से भावर साहब से कि आप इतने दिन तक कहाँ थे? समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा तो हम जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आप जो जिस प्रकार से बोल रहे हो ऐसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया आपको, ये चीज़ भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनकी संख्या 1% भी नहीं है, 0.9899% है, उनका भी अलग धर्म कोड है। मैं उन चीज़ों को भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो हमारे नौजवान युवा साथियों पर जिस प्रकार से आरोप लगाया है मैं उस बात का खंडन करता हूँ। आपने बोला विदेशी फंड आता है, अरे हमारे लड़कों के पास कभी कभी पेट्रोल के पैसे नहीं रहते हैं, खाने के पैसे नहीं रहते हैं, वो सारी समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए, आप समाज के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। मैं माननीय महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे युवा जो गलत राह पे जा रहे हैं, आपका दायित्व है उनको समझाएं, जो गलत कर रहा है उसको आप समझाएं। आप भी समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हो, आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारे समाज के युवा अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत राह में जा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है। आप भी समाज के व्यक्ति हो, आपकी अगर कोई नहीं सुनता है तो आप बोल सकते हो, लेकिन आपने कितने लड़कों के साथ मीटिंग की, कितने लड़कों को समझाने की कोशिश की, कितने सामाजिक प्रोग्राम में आपने सहभागिता निभाई, ये भी मायने रखता है। तो मेरा आपको यही कहना, मेरा उद्देश्य यही था कि आप जिस प्रकार से बोल रहे हो ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ बैठिए, हमारे लड़कों के साथ बैठिए। आप धर्मांतरण की बात करते हैं या हमको विधर्मी बताते हैं हमारे लड़कों को, तो ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। हम लोग हमारे रीति रिवाज संस्कृति की बात करते हैं, और किसी भी जाति के धर्म की अगर पहचान होती है तो उसकी रीति रिवाज और उस भाषा बोली संस्कृति से उसकी पहचान होती है। मैं कल सिंह भावर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप संघ में रहे, जैसा आपके एंट्री में बताया, संघ के अधिकतर लोग हमको वनवासी बोलते हैं, आपने उस बात का कभी खंडन किया? आपने नहीं किया, आपको करना चाहिए। हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं, और इस धरती के, इस देश के हम मालिक हैं, मूल मालिक हैं। आप भी हो, हम भी हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात का आपको 100% बुरा लगा होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब मेरे समाज के व्यक्ति हो, मेरे समाज के जनप्रतिनिधि रहे हो, और अभी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज के युवाओं से आपको संवाद करना चाहिए। जिस प्रकार से आप टीका टिप्पणी आरोप लगा रहे हो उससे उसका आपको
उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, बहुत बहुत धन्यवाद।